होटल हाईवे किंग जयपुर, किंग का खाना चूक न जाना, इनकी जो ये टैगलाइन है ना बहुत अट्रैक्ट करती है। जब हम दिल्ली से जयपुर के लिए निकले थे तो हमने पहले से ही सोच लिया था कि अपना ब्रेकफास्ट हम होटल हाईवे किंग जयपुर में ही करेंगे। पूनम शर्मा स्वागत करती हूँ आप सभी का एक बार फिर मेरे चैनल पर। आज आपको मैं बताऊँगी इस वीडियो में कैसा रहा मेरा एक्सपीरियंस होटल हाईवे किंग जयपुर का। चलिए वीडियो की तरफ आगे बढ़ते हैं। जैसे ही हम यहाँ पे पहुँचे हमने अपनी अपनी प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग ऑर्डर दिया। मुझे ट्रैवलिंग के दौरान स्पाइसी फूड खाना बहुत पसंद है तो मैंने आलू के पराठे का ऑर्डर दिया और सबने अपनी प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग, किसी ने सैंडविच, किसी ने मैगी, किसी ने मसाला डोसा, किसी ने सिर्फ चाय। अब मैं आपको बताऊँ, जब वो क्रिस्पी आलू के पराठे मेरे सामने आए ना, ओहो हो, बटर के साथ विद चाय मुझे बहुत अच्छा लगा। तो आप भी जब भी कभी जयपुर की तरफ जाएं या फिर जयपुर हाईवे रोड की तरफ जाएं तो होटल हाईवे किंग का खाना ज़रूर खाएं। ओवरऑल यहाँ का एटमॉस्फेयर भी बहुत अच्छा है। कितना अच्छा है वो आप देखिए इस वीडियो में, मेरे बच्चों ने कितनी मस्ती करी। जैसे ही उनको अपना प्ले जोन दिखा वो वहाँ पे फटाफट भाग के चले गए और इतना हमें परेशान किया कि उनको खींच खींच के पकड़ पकड़ के लेकर आना पड़ा। इतनी मस्ती करी तो आप देख सकते हैं कि यहाँ का एटमॉस्फेयर हमारे लिए भी नहीं तो बच्चों के लिए भी बहुत ही अच्छा है। तो ज़रूर यहाँ पे विज़िट करें, एक बार ज़रूर यहाँ का खाना ट्राई करें आप। बच्चों ने बहुत इन्जॉय किया था, देखिए कितनी मस्ती करी इन्होंने, इतनी ज़्यादा मस्ती करी थी कि इनको बहुत ही खींच खींच के पकड़ के बाहर निकालना पड़ रहा था कि चलो जल्दी पहुँचना है। तो देखिए आगे मैं आपको दिखाऊंगी। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मेरा मंदिरों पर रिसर्च चल रहा है तो मैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगी खोले के हनुमान जी। मैं अपनी जयपुर की वीडियो आपको पार्ट्स में दिखाऊंगी, क्यों मैंने जयपुर विजिट किया, इसके पीछे क्या रीज़न था, क्यों खोले के हनुमान जी की इतनी मान्यता है जयपुर में। जयपुर में हनुमान जी के बहुत से मंदिर हैं लेकिन फिर भी हर कोई क्यों खोले के हनुमान जी मंदिर की तरफ जाता है, क्यों वहाँ का स्वामिनी प्रसाद इतना मतलब कि महत्वपूर्ण है उसको खाना, तो मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में आप सभी को बताऊंगी। उसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि मोती डूंगरी के गणेश जी की जो भव्य, जो विशाल मूर्ति है उसके दर्शन के पीछे क्या लॉजिक है, क्यों जब भी कोई अपना नया व्हीकल ख़रीदता है तो ज़रूर वहाँ पे दर्शन के लिए जाता है। तो अगर ये मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।